हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कराची में नेशनल स्टेडियम के पास हूँ और ये मैच का टिकट है पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान। 11 तारीख है और क्या आप देख सकते हैं, पार्किंग का मसला बहुत बड़ा है यहाँ पे और कोई गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, कोई सेटअप नहीं है इधर किसी भी किस्म का। तो कम से कम हुक्मरान जो सिंध के हैं और जो फेडरल के हैं और इतनी बड़ी टीमों को बुलाते हैं, बेहद ज़रूरी है उनकी सेफ्टी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम भी कोई चीज़ हैं, हम भी लोकल्स हैं और हम भी इंसान हैं कि हमें कम से कम पार्किंग तो दे दी जाए। ना पार्किंग दी जाती है, फैमिली को अभी मैंने उतारा, वो गेट नंबर 4 से जाना, फिर अंदर घूमते बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ पे कारसाज की तरफ पार्किंग मिली, वो भी गलियों के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और बस सेफ्टी के नाम पे बस सेफ्टी है और इतना मुश्किल हो जाता है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे वीलॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा नेशनल स्टेडियम पैक्ड है और मैं इधर जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरा हुक्मरानों से यही है कि कम से कम पार्किंग दें और लोगों को बताएं कि कहाँ खड़ी करना है, कहाँ नहीं, ना शटल है। अब हम पे ये वक्त आ गया कि अब हम नेशनल स्टेडियम जाएंगे, हम लोकल पाकिस्तानी कराची के हैं, ठीक है, सेफ्टी अपनी जगह, लेकिन हमें मोहर लगाई जाएगी। वाह भाई वाह, मोहर लगा के हम अंदर जाएंगे, मोहर दिखा के आएंगे। वाह भाई वाह, क्या पाकिस्तान है, क्या। हाय गाइस, आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं और ये मैच देखने, ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और नेशनल स्टेडियम में है मौजूद और हम, और ये आप देख सकते हैं ऊपर ये सब बैठे हुए हैं। आज की व्लॉग जो है हमारी नेशनल स्टेडियम की है, 11 जनवरी 2023 सेकेंड ODI न्यूजीलैंड और। और ये नेशनल स्टेडियम की इंतज़ामिया से एक अपील है कि यहाँ पे भी इधर अंदर की तरफ स्क्रीन लगाएं। अब तो LED बहुत सस्ती है, ना समझ में आ रहा होता है, ना स्कोर समझ में आ रहा होता है, कम से कम कंपाउंड के अंदर LED वगैरह लगाएं ये लोग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। एक्सप्लोर विद सीट आज नेशनल स्टेडियम में मौजूद है और सेकंड ODI हो रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान।